दादी जी यहाँ यहाँ कोई एक पेड़ हवा है जहाँ सांप निकलते पीपल के पेड़ में सांपों का कब्जा। नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक ऐसा पेड़ है जिसमें 200 वजकर सांप रहते हैं। गांव का नाम है भड़ेसर। भड़ेसर की दूरी जांजगीर से 11 किलोमीटर और चांपा से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साइंस और वैज्ञानिक बताते हैं कि एक साथ बहुत सारे अजगर नहीं हो सकते, परंतु यहां साइंस के विपरीत एक साथ इतने अजगरों का होना ताज्जुब और हैरान कर देने वाला बात है। तो चलिए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। दादी जी यहाँ कोई एक पेड़ हवा है जहाँ सांप निकलते हैं। यही वह पेड़ है जिसमें 100 से ज्यादा लगभग 200 अजगर सांप एक साथ रहते हैं। विशालकाय पीपल का पेड़। इस पेड़ के अंदर 200 अजगर सांप रहते हैं। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन यह बात सच है। और जब हमने यह बात सुना, आज इस सच्चाई को जानने आए हैं कि वाकई में क्या 200 अजगर एक साथ हो सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में भड़ेसर आज बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है। हैरान कर देने वाला दावा है, क्योंकि इतनी संख्या में एक साथ अजगर, चलिए देखते हैं कि आखिर है या नहीं। इस विशालकाय पेड़ के अंदर बड़े बड़े खोखले, खोंधर, अजगरों के रहने के लिए अनुकूल जगह तो साफ साफ नजर आ रहे हैं। और हम भी इन पेड़ों पर सरसराते अजगरों को ढूंढ रहे हैं। जहरीले सांप आखिर क्यों नहीं पहुंचा रहे किसी को नुकसान। काफी देर बीत जाने के बाद हमें ताजुब वाला पल दिखाई दिया। जिस पेड़ पर इतनी संख्या में अजगर सांप रहते हैं, उस पेड़ पर बच्चे चढ़कर खेल कूद कर रहे थे। क्या इन्हें उन सांपों से डर नहीं लग रहा? समझ से परे है, यहाँ रहने वाले सांपों से किसी को डर नहीं? तो आइए इस पेड़ और अजगरों का रहस्य जिस घर में यह पेड़ मौजूद है, उस घर के मालिक आत्माराम पांडे जी से जानते हैं। आत्माराम जी और उनका पूरा परिवार 15-20 सालों से उन अजगर सांपों के बीच में रह रहे हैं। हमारे पीछे आपको एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है और वहीं हमारे बीच में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। और यही वो व्यक्ति हैं जो लगभग 200 अजगरों के साथ रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। सर, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम महात्मा पांडे जी। और ये कौन सा गांव? गांव भड़ेसर है। और ये हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके पहले से ये अजगर यहाँ निवास हैं। इसमें इस पेड़ के अंदर लगभग 150 से 200 के बीच में होगा अजगर, और बहुत पुराना यहाँ निवास उनका है। अच्छा। और गांव में अभी तक के तो किसी को नुकसान नहीं किया, ना हमको भी, किसी कुछ भी नहीं करता, नहीं ऐसा अभी हमको भी नुकसान नहीं किया है। और किसी के घर में निकलता भी है जी, कोई आते हैं बोलने के लिए कि इसको पकड़ के ले जाओ महाराज कह के, जी हम पकड़ के ला के यहाँ छोड़ भी देते हैं। तो अभी वो अजगर कहाँ पर होंगे, कुछ बताएंगे? अभी वो अजगर तो कुछ तो तालाब वगैरह में अपना पानी पीने, खाना खाना के लिए चले जाते हैं जी। और जो बाकी जो अजगर है वो पेड़ के नीचे खोखला बन गया है। जो पेड़ है, हाँ पेड़ है, पीपल का झाड़ है वो, और उसके नीचे खोखला बन गया, उसमें वो लोग निवास करते हैं। दोपहरी चिलचिलाती धूप है, एक बज चुका है और हमारी तलाश जारी है। कैमरा और हमारी नजर खोखलों के अंदर झांक रही है। वर्तमान में तो हमें किसी प्रकार का सांप दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि इस वक्त गर्मी का मौसम है और जैसे ही ठंडी का मौसम शुरू होता है, सर्दी का मौसम शुरू होता है, यहाँ का सांप बसेरा यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो ये कौन से मौसम में मतलब ज्यादातर दिखाई देते हैं? ये लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठंड के समय ये निकलते हैं वो ज्यादा जी। और अभी गर्मी के समय में
रात को निकलते हैं जी, ताकि कम मात्रा में निकलते हैं, उतना कोई ये नहीं रहता उनका जी, क्योंकि ठंड के समय में उनका निश्चित है निकलना। पेड़ के खोखलों से बाहर निकलकर इन टहनियों पर अजगर लटकते रहते हैं। इस पेड़ के आसपास के घरों में भी अक्सर आए दिन अजगर सांप घूमते नजर आते हैं। अजगर सांप हमें नहीं दिखा, परंतु आत्माराम जी ने अपने मोबाइल में कैमरे में कैद अजगर सांप का वीडियो हमें दिखाया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि अजगर के बच्चे पेड़ से उतरकर उनके घर के प्रांगण में घूम रहे हैं और आत्माराम जी उन्हें पकड़कर फिर से पेड़ के खोखलों में डाल रहे हैं। रात में भी अजगर सांप उनके घर के अंदर घूमता हुआ। इसी घर के अंदर अजगर सांप आए दिन घूमते रहते हैं। इन अजगर सांपों को आत्माराम जी और उनका पूरा परिवार धनबोड़ा मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। घर के दीवार पर भी चित्र अंकित है। जो है वो अजगरों का जो बसेरा है वो क्रमशः बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, और उसको हम लोग धनबोड़ा के रूप में मानते हैं और उसका पूजा भी करते हैं नाग पंचमी के दिन और बाकी दिन भी। एक साथ इतनी संख्या में पाए जाने वाले अजगरों को देखने लोग दूर दूर से इस गांव में पहुंच रहे हैं और इसीलिए महात्मा राम जी चाहते हैं कि हर कोई इन्हें आसानी से देख सके। वन विभाग वाले आए थे जी और यहाँ अजगर पार्क बनेगा ऐसा करके बोल रहे थे। अच्छा, बाकी अभी तक के शासन से कोई अनुमति नहीं मिला। नहीं मिला, और शासन से मेरा अनुरोध है जी कि यहाँ कुछ सहयोग करके यहाँ को अजगर पार्क बनाया जाए जी, जिसमें जो अजगर जो है जी वो सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, जबकि कोई भी जैसे आ रहे हैं बाहर से जी तो हर समय उनको देखने को मिल भी जाएगा उसमें। तो मैं जमीन भी दे तैयार है करके सामने की जमीन का, एक कांच वाच के जैसे शीशा टाइप अगर बनवा दी तो क्या उम्र ही, तो कम से कम कोई भी आई थे एनी टाइम बोलो देख सकते थे। यही मेरे शासन से अनुरोध है। इन अजगर सांपों और इस जगह की वजह से कहीं ना कहीं भड़ेसर गांव की पहचान देश दुनिया में बढ़ रही है, इसलिए गांव और शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और यहां अजगर पार्क बनना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल देखो छत्तीसगढ़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।